स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और मैंने आप लोगों को करंट के बारे में बताया था, पोटेंशियल के बारे में बताया था, फिर मैंने ओम्स लॉ समझाया था। तो आई होप कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार। करंट का मतलब होता है बच्चों, किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में जो चार्ज का फ्लो होता है, मैंने थोड़ा वायर को मोटा कर दिया, पर सेकंड जो चार्ज का फ्लो होता है, मतलब क्यू चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम में, दैट इज क्यू अपॉन टी। पोटेंशियल का मतलब यह होता बच्चों कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करने में, ले आने में जो वर्क डन होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। फिर ओम एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बोला था कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो करंट उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर, ऐसा ओम ने एक लॉ दिया था। तो ये हमने तीन बातें पढ़ी थी स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए ये पढ़ेंगे कि जो करंट फ्लो होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, करंट फ्लो होने का मतलब ये हुआ, मैं वायर को मोटा बना रहा हूं, कि जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो रेसिस्टेंस का मतलब यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो प्रॉब्लम, जो रेसिस्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट में, तो मतलब कि जो रेसिस्टिविटी होती है बच्चों, वो इसको अपोज करती है। अपोज करने का मतलब यह होता है इसमें फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा। तो जब फ्रिक्शन और कोलिजन होगा तो क्या होगा बच्चों, ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन कोलिजन से क्या होगा, यहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, ध्यान समझो बच्चों। आपने अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा या इलेक्ट्रिक केटल देखा होगा, इवन जो ओवन होते हैं बच्चों, तो उनमें हम इस तरह के मटेरियल का यूज करते हैं, जब उसमें करंट का फ्लो हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स में आपस में फ्रिक्शन हो, ये टकराए आपस में, करंट तो फ्लो हो ही। तो ये लगभग मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वायर होता है, जो वो उसमें बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, तो जब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारे घरों में जो आयरन प्रेस होते हैं, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, वो एलॉय के बने होते हैं। मतलब कि एलॉय का मतलब ये होता है कि एक से अधिक मेटल्स या मटेरियल्स को यूज करके बनाते हैं एलॉय को, ताकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करे, इलेक्ट्रिक जब फ्लो करे, तो उसमें टकराहट बढ़े और हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो। ठीक है ना, तो आई होप कि हीट प्रोडक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कि इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं ताकि वो स्मूथली फ्लो नहीं करते, जानबूझ के बनाते हैं ताकि वो हीट प्रोड्यूस करें। ठीक है ना, तो उनके टकराने से, उनके आपस में फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसको जूल ने डिफाइन किया था, एक साइंटिस्ट थे जूल। ठीक है ना, उन्होंने ये कहा कि अगर ये वायर है, ठीक है बच्चों, वायर इतना मोटा तो होता नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बता दिया, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों, वो होता है इसमें जो करंट फ्लो होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, समझो बात को, ये लैब में जूल ने प्रूफ किया था, इसको इसमें समझाया नहीं जा सकता, बस इतना समझना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा बच्चों होता है जो हीट प्रोड्यूस होता है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर आर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है ना, रोकता है, ऐसे अपोज करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो का। और जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब जितना करंट फ्लो होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो जूल ने कहा डायरेक्ट तो होता है, लेकिन उसके स्क्वायर के डायरेक्ट होता है, मतलब उसका और भी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तीसरा होता है बच्चों, जितना ही टाइम के लिए करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है ना, उसके भी प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के साथ साथ बढ़ता है, वो रेसिस्टेंस के साथ बढ़ता है, वो टाइम बढ़ाने पे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेस करते हो घरों में, तो आप देखते हो 10 सेकंड के लिए आपने प्रेस ऑन किया तो थोड़ा हीट हुआ, आपने 30 सेकंड के लिए ऑन किया तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑफ करना पड़ता है, उसमें ऑटोमेटिक कट होता है, जो कट जाता है, क्योंकि हीट बढ़ता चला जाता है, प्रेस उसको रोक नहीं सकता, उसमें ऑटो कट का फीचर डालना पड़ता है, सो दैट कि एक टेम्परेचर आने के बाद अपने आप कट हो जाए, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा आप स्पेंड करोगे ऑन करके तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर उसको छोड़ दो और उसमें ऑटो कट ना हो तो इतना गर्म हो जाएगा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये तीन बातें समझे होंगे कि जो हीट प्रोड्यूस होता है करंट के प्रोपोर्शन में होता है, इसमें जो रेसिस्टेंस होता है उसके प्रोपोर्शन में होता है,
और टाइम के प्रोपोर्शन में होता है। तो जूल ने इसके लिए फार्मूला दिया, हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू, अब ये फार्मूला लैब में प्रूव करा गया है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। ये आप इसको याद कर लो बच्चों, इसको कहीं लिख लो, ठीक है। तो आप इसको आई आर को तोड़ो, दिस इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू टी। आपने पढ़ा होगा कि आई आर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ, ये जो होता है आई आर वी होता है, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी आई टी। तो एक फॉर्मूला और बना वी आई टी, और दूसरा स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इसको एक बार और तोड़ो, वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, आपने पढ़ा था इसमें, यहां से वी आई आर में पढ़ा था ना आपने, तो इसको आई को सुबह अपन आर करा हमने, इंटू आर टी हो गया, ठीक है ना। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हुआ, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो इन तीन फार्मूला से आप क्या करोगे, हीटिंग इफेक्ट निकालोगे, और ये तीनों हीटिंग इफेक्ट के फार्मूले होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट का कंसेप्ट होता है वो बेसिकली कोलिजन से होता है, रेसिस्टेंस से होता है, उसमें कितना करंट आप कितने टाइम के लिए फ्लो कराते हो उससे होता है। तो इसके लिए तीन फार्मूला, बेसिकली फार्मूला तो एक ही है, तीन तरह से आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो आप क्वेश्चन में कराता हूं आपको, सपोज करो बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है आपके घर में, उसका सर्किट कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। तो उसमें रेसिस्टर जो है 10 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, और क्या है उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, ये करंट फ्लो 10 एम्पियर का हो रहा इन अ सर्किट, रेसिस्टेंस इज 10 ओम, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। और तो हीट प्रोड्यूस निकालना, हीट जो है निकालना आपको कितने 30 सेकंड में, ठीक है ना, हीट इक्वल्स टू व्हाट इनटू 30 सेकंड्स। 30 सेकंड के लिए आपने इसमें करंट फ्लो करा दिया, ठीक है ना, ये 10 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो हो रहा, इसमें 10 एम्पियर का 10 ओम का रेसिस्टर है, और 30 सेकंड आपने इसमें करंट फ्लो कराया, 30 सेकंड तक आपका ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ऑन रहा, तो कितना इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ, आप देखो इसमें आई की वैल्यू दी है 10, आर की वैल्यू दी है 10, टी की वैल्यू दी है 30। तो आप निकाल सकते हो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 100 हो गया आई स्क्वायर, और ये 10 का मल्टीप्लाई करा 1000 हो गया, इंटू 30, तो ये होगा 30,000 जूल। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करा कि एक जो इलेक्ट्रिक आयरन का सर्किट है उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा, 10 ओम का रेसिस्टर है, तो 30 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपने इसको समझा कि इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इतने कम एम्पियर के इलेक्ट्रिक फ्लो में, इतने कम रेसिस्टर में आप इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेते हो 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम अगर इसका उल्टा करते हैं कि कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हो, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसमें एम्पियर आई है कुछ, इसमें अगर हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आपको दी हो, सपोज करो हीट प्रोड्यूस जो है आपका 20 जूल हो रहा टाइम 1 सेकंड में, ठीक है, और इसमें रेसिस्टेंस है 20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पूछा है कि इसमें जो सर्किट है इसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो आपके पास हीट प्रोड्यूस दिया है, आई की वैल्यू दिया है 1 सेकंड पर सेकंड इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, रेसिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करके निकालोगे कि वी की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो एच की वैल्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हुआ, तो एच की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 20 जूल इक्वल्स टू वी स्क्वायर, आपके पास नहीं दिया हुआ है, अपन आर की वैल्यू 20 दे रखी है आपके पास, इंटू टी 1 दे रखा है, ठीक है ना 1। तो अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 20 400 हो गया, वी इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल है इस बैटरी का वो 20 वोल्ट का है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इसको एनालाइज करना कि हीट जो है इलेक्ट्रॉन के टकराने से प्रोड्यूस होता है, और ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट कि हम घरों में अपने इलेक्ट्रिक केटल का यूज कर सकें, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज कर सकें, जो भी गर्म करने ओवन का यूज कर सकें। तो इस तरह से हम जूल ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया समाज को कि हम एलॉयज का यूज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के कैसे हम हीट प्रोड्यूस करें सो दैट कि हमें हाउस होल्ड चीजों में भी फायदा मिले। तो आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो अच्छे से। और एनसीईआरटी का पेज नंबर 218 पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।